आज जो साहब को गिरफ्तार किया, इनके शुक्रिया। उनको पहले भी मैंने बताया, पहले हम इस लेवल के लीडर थे, अब हम उस लेवल के लीडर हो गए। अवाम ने, दुनिया ने खुद ही देख लिया कि इनकी क्या औकात है। बाकी ये लॉ पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है, कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। दूसरी तीसरी जंग अजीम भी लग जाए, फिर भी आपने इलेक्शन करवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जमान पार्क में जो मेन गेट है इमरान खान की रिहाइशगाह का, वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब की सिस्टर यहाँ पे मौजूद है, शाजिया साहिबा, और उनसे बात करें कि इमरान खान के जो फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था उसके हवाले से जो उनके जज्बात थे और जो उसके पीछे बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड ये था कि फवाद चौधरी साहब को जो गिरफ़्तार किया गया था सिर्फ एक लफ्ज़ मुंशी कहने पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से को, और इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी थे उनकी जानिब से उनके ऊपर एक मुकदमा जो है वो किया गया था, और उस मुकदमे की वजह से हम उन्हें 4 दिन जो है वो ज़ेर हिरासत रहना पड़ा, और अब वो बेल पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं मैम से और उनसे पूछते हैं कि जो फवाद चौधरी साहब का केस था उसके बारे में उनकी क्या राय है। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब की सिस्टर, उनसे बात करते हैं फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आगे का लाह अमल है उसके बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल चाल है आपके? सर फर्स्ट क्लास। मैम फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बारे में आपका क्या? फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया, इनके शुक्रिया। उनको पहले भी मैंने बताया कि इन्होंने हमें, पहले हम इस लेवल के लीडर था, अब हम उस लेवल के लीडर हो गए। हमें इनको, दुनिया को हमारी बहादुरी का और हमारा पता चल गया। ये लोग एक्सपोज हो गए हैं सबके सामने, आवाम के, इंटरनेशनल मीडिया के, पूरी दुनिया के सामने ये लोग एक्सपोज है। इनका शुक्रिया कि ये लोग जाहिर हो गए हैं, हमें बताना पड़ता था। अवाम ने, दुनिया ने खुद ही देख लिया कि इनकी क्या औकात है। मैम फवाद चौधरी साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और उनको जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो आप क्या देखती हैं कि कानून की जो पासदारी है यहाँ पे हमारे मुल्क में वो कितनी है, कि उनको एक तो जो गिरफ़्तार करने का तरीका था वो भी गैर कानूनी था, फिर उनको जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत में पेश ऐसे किया गया जैसे किसी दहशतगर्द को पेश किया जाता है, तो उसके बारे में आप तहफ़ुज़ात का इजहार करती हैं कि उनका जो ये जो रवैया था मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट का पंजाब? बिल्कुल लॉ वायलेशन हुई है। मैं तो हैरान हूँ अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से, उनको सो मोतो एक्शन लेना चाहिए था कि हमारी फेटर्निटी का एक ऑनरेबल बंदा जो पार्लियामेंटेरियन भी रह चुका है, जो फेडरल मिनिस्टर रह चुका है, उसको आप इस किस तरह लेके जा रहे हैं। हमने प्रोटेस्ट किया था GPO चौक में और हमने काफ़ी ज़्यादा ये है कि अल्लाह करे, इस मुझे तो ये लगता है इस प्रोटेस्ट से ही वो बाज़याब हुए हैं। बाकी ये लॉ पाकिस्तान में कहीं पर नहीं है, लॉ की वायलेशन होगी, कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होते हैं, दूसरी तीसरी जंग अजीम भी लग जाए, फिर भी आपने इलेक्शन करवाने हैं। मैम लगता तो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं। बिल्कुल, ऑनरेबल कोर्ट्स ने नोटिस लिया हुआ है, केसेस चल रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट इसको आयन से अनहरफ नहीं होगी। इनको बताएंगे हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना, उसको ओबे करना कितना ज़रूरी है, हम इनको करवाएंगे और ये इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। मैम जब आप असेंबली तहलील करने लगे थे तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल थे, इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे, जो MPAs थे, जो मिनिस्टर थे, उनका भी ये कहना था कि अगर हम लोग असेंबली तहलील, इवन के आपका जो CM था वो भी ये कहता था कि असेंबली तहलील कर देंगे तो ये लोग 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाएंगे और उसके बाद हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आज जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, क्या ये सारी बातें आपके जहन में थी कि ये मौजूदा हुकूमत जो इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगी? बिल्कुल थी, इसी को तो लीडर कहते हैं। खान के फॉलोवर्स, खान के दीवाने हम लोग क्यों हैं? इस बात से कि उसको किसी चीज़ का लालच नहीं है। वो अगर लालच में होते हुए कहते जी हुकूमत करते रहो, खांदे रहो, ठीक है ना, हमारी तो ऐश हो रही थी। खान साहब ने अपनी जो गवर्नमेंट कुर्बान कर दी, खान साहब ने परवाह नहीं की, खान साहब ने कहा कि नहीं असूल की बात करो, हम लोग आवाम के पास जाए। मैम अगर ये 3 महीने अगर हम लोग गुजार लेते और पूरे मुल्क में अगर एक साथ इलेक्शन हो जाते, आपके 70% हिस्से में पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और अगर असेंबली तहलील ना की जाती, अगर इमरान खान ने 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम और सब्र कर लेते तो क्या वो बेहतर था या जो आजकल के हालात हैं ये बेहतर है? ये बेहतर है क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए लोग ये लोग एक्सपोज नहीं होने थे। कितनी ज़्यादा ये लोग गिरफ्तारियाँ, कितनी वायलेशन करी हैं, खान साहब इनको दुनिया को, पाकिस्तानियों को बताना चाह रहे थे कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं, किस लेवल पर जा सकते हैं, इसलिए खान साहब ने कुर्बान किया और दिखाया सबको कि ये लोग सियासत करें।
नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि इक्तदार के आह्वानों से कोई नहीं निकलता। पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की जमहूरी तारीख का अगर मुतालिया किया जाए तो किसी की भी ये कोशिश नहीं होती कि वो इक्तदार के आह्वानों से निकले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये एक मिसाल कायम की है इक्तदार के आह्वानों से निकलने के बाद कि उन्होंने अपनी असम्बलीज जो हैं वो टाइम से पहले तहलील की हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आप लोग 90 दिनों में इलेक्शन करवाएंगे, और दूसरी ये जो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, क्या ये तहरीक जो है खातिर खां प्रेशर जो है वो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत पे कायम करने में कामयाब होगी? इंशाल्लाह कायम होगी, और जो दर्जों लोग यकीन माने को हज़ार के करीब लोग मुझे कॉल कर गए हैं, मैडम हमारे रजिस्ट्रेशन गए, हमने हमें जेल भरो तहरीक में, यहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों ने इनको लग पता जाना है, ये इन्होंने वो कहते हैं ना वो खखड़ में हाथ डाल दिया, इन्होंने वो छेड़ दिया हमें, ये तो बहुत पछताएंगे। मैम तहरीक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी ना, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, और 24 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, और तहरीक इंसाफ के साथ ही जो सियासी पंडित थे उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की और बरसगीर पाक को इनकी तारीख गवाह के तहरीक के नाम से बनाई जाने वाली जितनी सियासी जमातें हैं वो नाकाम हुई हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो पावर में आई और आवाम की उसने पॉपुलैरिटी हासिल की, मजीद तरक्की कर रही है। लेकिन बरसगीर पाक को हिंद में पार्टीशन से पहले भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसने कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई थी। आप मुतमिन हैं कि इस जेल भरो तहरीक से आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। उस वक्त कुछ ये जो होते हैं ना जी गद्दार किस्म के लोग वो थे, इसलिए वो कामयाब। हमारा ये खान साहब की लकी है, हम लोग हमारी पार्टी में गद्दार लोग नहीं है, जो दो चार लोटे थे वो चले गए, हम लोग बिल्कुल साफ है, हम लोग जान कुर्बान देने वाले करने वाले लोग हैं, खान साहब के तहरीक पे खान साहब के साथ खड़े हैं, हमारे में कोई गद्दार नहीं है। जो पीटीआई के रहनुमा हैं, जो लीडर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो अभी भी इमरान खान के साथ मुसम्मा इरादे के साथ खड़े हैं आपको लगता है? बिल्कुल खड़े हुए हैं, और मैंने आपको बताया कि जो लोटे थे वो चले गए, अब जो लोग खड़े हैं वो अपने खून के आखिरी कतर खान साहब पे कुर्बान करेंगे, हमारी अपनी खान साहब पर जान कुर्बान है, हमारी पार्टी के लिए जान कुर्बान है, लाखों नहीं करोड़ों लोग खान साहब के साथ खड़े। जी मैम बहुत शुक्रिया आपका। मैम हमारे फवाद चौधरी साहब की सिस्टर हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने अपने जज्बात जो हैं उनसे आगाह किया आवाम को।